हेलो हाय नमस्ते कैसे हैं आप सब आपको ये दो छोटे छोटे क्यूट से स्टोन्स दिख रहे हैं और ये कलर है येलो और सिट्रीन कहते हैं इसे और दिस इज पिंक रेड कलर का रूबी स्टाइल का और क्या कहते हैं इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए ये जानने के लिए कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं नहीं नहीं नेगेटिव कसिप नहीं पॉजिटिव कश्यप की बात कर रही हूँ पॉजिटिवली आपके बारे में क्या बोलते रहते हैं सामने से बोलने में थोड़ा सा डरते हैं झिझकते हैं कुछ ना कुछ तो आपने अचीव किया होगा ना इसी वजह से तो क्या कहते हैं वो आपके लिए तो ये एक कार्ड एक स्टोन को चुन लीजिए इन दोनों में से एक को गहरी सांस लें और सोचें कि आपके बारे में लोग पॉजिटिवली क्या सोचते होंगे फिर मैं कार्ड्स निकालती हूँ ऑलरेडी शफल्ड हैं फिर देखते हैं कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं थैंक यू हेलो एंड वेलकम आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं फटाफट कार्ड्स निकालते जाएंगे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपके बारे में लोग यही कहते हैं लोग फ्रेंड्स आपके आसपास के लोग कि देखो कितनी मुसीबत में है इतनी मुसीबतों के बावजूद अब वो आगे क्या करेगी लेकिन फिर भी हम यही सोचते थे कि वो क्या करेंगी आगे ये करेंगी या करेंगा करेगा तो आपको आपके लिए ये सोचते थे कि ये क्या करेंगे यार आगे ये इतनी अकेले इतने आ, बिल्कुल अकेले सुनसान में क्या अकेले अपने आप में काम करते रहते हैं इनके पास अब कोई नहीं है कोई फ्रेंड्स नहीं है कुछ नहीं है फिर भी एक एंथ्यस्टिक एक चेहरे पर चमक क्यों दिखती है ये इनके मन में सवाल होते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं घर के अंदर ही बैठे बैठे <laughs> समझ ही नहीं पाते और देखते हैं कि आप लगातार पूजा पाठ हवन इस टाइप का कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ईश्वर के प्रति समर्पित है इस तरह का दिख रहा है हम्म बहुत ही खूबसूरत है स्टोन बार बार छूने का मन करता है <laughs> तो यहां रख दिया मैंने ठीक है अब यहां से करते हैं रीडिंग वो सोच रहे हैं कि करते क्या रहते हैं इतने अकेलेपन में अपने आप से कैसे कर देते हैं कोई भी चीज इनका घर कैसे चल रहा है ये खुश कैसे हैं इतनी कमी के बावजूद ओ लॉर्ड गणेशा और आपके पीछे लोग ये सोचते हैं कि यार ये अगर चुपचाप लगे हुए हैं और चेहरे पे चमक है कोई भी इनके पास आता जाता नहीं है तो ज़रूर इनफाइनेट अबंडेंस इनके पास में ये कोई बहुत बड़ा इंसान बनने वाले हैं उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आती हैं क्या ये बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं एक अजीब सा डर भी है उनके अंदर मदर मैरी लव एंड पीस वो आपको इसी रूप में देखते हैं आपके आस पड़ोस लोग ये सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी कमी के बावजूद इनका चेहरा इतना शांत कैसे रहता है ये सबको प्यार कैसे बांटती रहती है ये जानवरों के लिए भी इतना इतना प्यार से रहती हैं और गरीब लोगों के लिए भी काम करती रहती हैं जो है इनके पास वो काम कर रही हैं वो चीज़ कर रही हैं इतना डाउनफॉल होने के बाद भी क्योंकि उन लोगों को ये दिख रहा है उन लोगों को ये दिख रहा है कि बहुत से लोग थे आपके पास अब तक आप अपनों से घिरे हुए थे लेकिन आपके अपनों ने ही आपको छोड़ा है एकदम से आपसे किनारा किया है ये सोच के कि बेचारे हैं या बेचारी हैं क्या कर लेगी लेकिन आपके ऊपर तो जबरदस्त आशीर्वाद है सभी का इसीलिए लोग पीछे से ये कह रहे हैं कि फिर भी देखो हिम्मत देखो लगातार काम करती हैं चौबीस वही बात है ना चौबीस घंटे सबके पास है लोग यही सोच रहे हैं कि हम तो फिर भी खाते पीते सो जाते हैं आप हमारे पास सब कुछ है लेकिन इनके पास बहुत सारी कमियां होने के बावजूद कोई ना होने के मतलब साथ नहीं दे रहा कोई भी एक अलग ही थलग दुनिया में पड़ गई हो या पड़ गए हैं फिर भी लगातार आप काम कर रही हो लगातार कोई स्टडी आपकी चल रही है एक रिलैक्स मोड में आप आ चुके हैं आपको आपको बारे में मैं यही देख देख पा रही हूँ कि आपको ये लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ इतना सामान इतने लोग ये सब कुछ लोग चले गए अब मैं अपनी तरफ देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ इन फेमी। इसका मतलब आपके जो दुश्मन थे वो अपने ही थे उन लोगों ने बहुत कुछ गलत किया आपके लिए आपके साथ आपके लिए र्यूमर फैलाया और आपके अपने अपने साथ आए ही नहीं आपके लिए गलतियाँ आप मतलब ब्लेम लगातार ब्लेम जब कुछ किया ही नहीं तो भी तो सुपर सोल ये कार्ड भगवान विष्णु का ये कहता है कि आप एक सुपर सोल के करीब हैं आप एक टीचर के समान हैं आप आगे लोगों को और भी कुछ शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं और लोग यही कह रहे हैं कि आप करेंगे ड्रीम एंड जर्नी ड्रम कार्ड आया है यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको हो सकता है भगवान के ईश्वर अल्लाह के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सपने आते हों कि आप वहाँ पहुँचे हुए हैं उनकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर ऐसे कोई ड्रीम आप देखते हैं आपको एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग मिल रही है आपको भगवानों की भी ब्लेसिंग मिलती है आपके कानों में कोई ना कोई नए शब्द सुनाई देते हैं ज़िंदगी आपकी हसीन होती जा रही है आप खुद सोच रहे हैं मेरे पास कुछ तो है नहीं मैं इतनी रोशनियाँ इतनी सुगंध फूल ये सब मैं ड्रीम में क्यों देखता हूँ या देखती हूँ yes, आपके अंदर की सैडनेस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने वाली है ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स आपके पूर्वज जो अच्छे पूर्वज हैं देखिए जो जिन लोगों ने बहुत ही आताताई रहे तानाशाही रहे कार्मिक रहे नार्सिसिस्ट रहे वो भी तो खत्म होते हैं ना तो वो हमारे बड़े भी हो सकते हैं अपने भी हो सकते हैं वो लोग जब खत्म होते हैं तो वो पितृ नहीं बनते वो पिशाच योनी में चले जाते हैं ठीक है वो अच्छे पितृ नहीं माने जाते हैं उनका भी तर्पण किया जाता है लेकिन दूसरी तरीके से लेकिन ये जो आपके अच्छे एंसिस्टर्स हैं के सफ़ेद लंबे बाल दाढ़ी ये यही शो करता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है और इवन हो सकता है आपको ना भी देखा हो या आपने इनसे इनसे ना मिले हो लेकिन आपके अच्छे फोर फादर्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वो ब्लेस कर रहे थे आपके ही पेरेंट्स को कि मेरी आगे आने वाली संतानें बहुत अच्छा नाम करें और आप इतनी मुसीबत में भी इसीलिए आए हैं जिन्होंने ये, ये येलो सिटरिंग को चुना है उनके लिए ये रीडिंग आ रही है कि जो लोग हैं आपके बारे में वो यही सोच रहे हैं कि देखो इनके ऊपर ज़रूर दैवीय कृपा है कि ये इतना कठिन समय में भी लोगों को टीच कर पा रहे हैं तो आपके लिए लोग गॉसिप तो कर रहे हैं लेकिन आपके बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं कि देखो ये ना किसी दिन आगे बढ़ेंगे और ये कोई कुछ बड़ा करेंगे और हम इनको आगे देखेंगे टीवी में न्यूज़पेपर में या कॉलोनी में बहुत बड़ा नाम होने वाला है आपका ऐसी चीज़ें आपके लिए लोग बोल रहे हैं सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप इतनी मुसीबत से भी आगे निकल रहे हैं यही तो ज़िंदगी है यही तो आपका स्पिरिट है यस दिस इज़ द स्पिरिट यही करना है आगे बढ़ना है दुनिया साथ दे न दे अकेले रास्ते पे आप चल रहे हैं कोई बात नहीं पीछे से कोई नहीं आ रहा अभी बाद में आएंगे सब पीछे आते हैं जो कोई अकेला चलता है ना वो बिल्कुल अलग रास्ता ही चुनता है सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू हेलो एंड वेलकम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आपने जो ये रेड रूबी स्टाइल का स्टोन चुना है बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए बात करते हैं कि आपके बारे में लोग पॉजिटिवली क्या कौसिप कर रहे हैं क्या वाकई कुछ कर रहे हैं देख लेते हैं क्या कौसिप कर रहे हैं डेथ कार्ड डेथ कार्ड भी रिवर्स में आया है आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि एक अजीब सी उलझन से आप बाहर निकले हैं इतनी ज़बरदस्त एक बहुत बुरी कंडीशन से आप बाहर निकल पाए हैं और अकेले अकेले अपने दम पर कार्ड, कह सके बाद सीधे सन सन कार्ड। कार्ड यही शो करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां खुशियां अब आगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं जिसे आपको ग्रैप करने के लिए तैयार रहना चाहिए यस, तो फिर लोग आपसे क्या चाह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि अब आपको या तो शादी कर लेनी चाहिए अगर आप अनमेरिड हैं या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ कि अब एक नई जिंदगी की शुरुआत आपको करनी चाहिए हो सकता है आप एक ज़बरदस्त कार्मिक मैरिज से उलझे हों और बहुत मुश्किलों में पड़ गए हों तो हैंग मैन भी आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने बहुत मुसीबतों से इस जर्नी को सहा है आम, हो सकता है आप एक लेडी हो एक कार में कसबैंड या नार्सिस टाइप के हो उन्होंने उठ बैठ ये वो जो है ना सब कुछ मेरे हिसाब से सांस लो वाली बात कर दी थी और कई साल हो गए आपको हो सकता है थर्टीन इयर्स आपने निकाले हो ऐसा समझ में आ रहा है या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो बट थर्टीन इयर्स का आ रहा है कि इतने साल आपने एक बैड डिस्टॉर्टेड मैरिज में निकाला है एक गंदी मैरिज लाइफ आपने देखी है जिससे कि आपने बाहर निकलने की अब पूरी ठान ली है कोशिश और आप निकल चुके हैं ऐसा दिख रहा है लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि वाह कमाल है इतने ऐसी मैरिज से भी कोई निकला जा सकता है क्योंकि कुछ लोग आपसे चलते भी थे वो सब साइड हो चुके हैं लोग आपके बारे में पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ठीक है अच्छा किया इतनी ऐसी लाइफ से तो निकलना ही बेहतर है जब आपके अपने घर वाले भी काम नहीं आए बाहर वाले फ्रेंड्स भी काम नहीं आए लेकिन फिर भी गॉसिप आपके बारे में हो रही है तो ये गॉसिप यही हो रही है कि हाँ अच्छा किया इन्होंने अब इन्हें इस ज़िंदगी से बाहर निकलना ही था अच्छा किया बहुत अच्छा किया आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं खुश हो रहे हैं और यह भी है कि मिसाल भी बन रही हैं आप इस सोसाइटी में जहां भी आप काम करते हैं वो यही सोच रहे हैं कि यार हमें भी ऐसी हिम्मत मिल जाए तो हम भी कुछ आगे कुछ नया करें आई एस आई एस मैजिक मैनिफेस्टिंग हो रहा है देखिए आपके लिए सभी ये कह रहे हैं कि वाओ ये ना कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगी अब दुनिया में क्योंकि आई एस आई एस आई एस आई एस जो हैं आपके ड्रीम्स आपके विजन आपके गोल को रियलिटी में बदलने की ताकत रखते हैं मिस्र की देवी हैं ये ये यह कहते हैं कि अपनी थर्ड आई को ओपन करें और अपने आप को इन्हेंस करें अपनी सोल को इन्हेंस करें बेसिकली आगे बढ़ते जाएं और यही लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये ना बहुत आगे जाएंगे ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है अब जो कोई इतनी मुसीबत से बाहर निकलता है ना तो फिर आगे निकलता ही है बहुत कुछ आगे नया करता है ह्यूमैनिटी एंड बिनेस यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे कूल रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इतनी कूल एंड काम ये किस तरीके से हैं इनके चेहरे पे इस तरह की रोशनी किस तरह से है ये इतनी शांत किस तरह से रहती हैं ये दुनिया को एक रोशनी दिखाने के लिए आई हैं क्या क्या ये कोई देवी है कई बार लोग आपको एक गॉडेस के रूप में भी देखते हैं गॉड या गॉडेस के रूप में अगर आप मेल हैं तो गॉड के रूप में समझ लीजिएगा तो ये, आ, लोग आपके बारे में यही कह रहे हैं कि ये तो एक भगवान का ही रूप दिखाई दे रहे हैं हमें कुछ अलग ही करते हैं कुछ नया ही करते हैं और कुछ नया करने के लिए देखिए कुछ नया करने के लिए मुसीबतें तो झेलनी पड़ेंगी ना तो वो आपने झेली हैं वो आपने किया है ऐसा मुझे दिख रहा है आगे आपके लिए लोग कह रहे हैं कि तुम तो बहुत दूर जाओगी क्योंकि तुम्हारे साथ हम भी हैं हमें भी बताओ तुमने ये सब कैसे किया ऐसा बाकी सभी लोग आपको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं जो घबराइए नहीं आगे और भी कोई मुसीबत आए हम आपके साथ हैं तो वो सभी कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है आप हमें रास्ता दिखाओ हम आपके साथ हैं आप कुछ भी काम नया शुरू करेंगे हम आपके लिए बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे अगर कोई आपको कुछ गलत कहने आएगा हम आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे मिरर गार्जियन यही बता रहे हैं कि आप अपने आप आप को अब पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्स से जुड़ गए हैं देखिए जो ये मिरर देख रही हैं और क्या दिख रहा है मिरर में यूनिवर्स दिख रहा है यानी कि जो हमारे अंदर ही यूनिवर्स है वो चीज को आप अच्छी तरीके से पहचान गई हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यार जो बनना है तो इनकी जैसे बनना है वो ऑलरेडी कार्ड आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ आप धीरे धीरे वाकई उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जो वाकई आपको बनना था हो सकता है कोई आप हीलर बन रहे हों कुछ नया काम कर रहे हो फैमिली फ्रेंड्स हस्बैंड्स इन सब से दूर हस्बैंड कार्मिक भी नहीं थे तो भी आपको ये लगता था कि आ, मुझे तो इनके साथ रहना ही नहीं है हो सकता है आप ट्रन फ्लेम जर्नी में हो कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे हस्बैंड ठीक हों लेकिन आपको लग रहा था कि मैं एक गलत मैरिज में फंस गई मुझे इनसे शादी करनी ही नहीं थी मुझे इनसे बच्चा भी नहीं करना था मुझे ये चाहिए ही नहीं था तो आपने कुछ नया रास्ता अपना चुन लिया है उनसे बस माफ़ी मांग लिया कि ठीक है आप लोग दूर रहें मैं कुछ नया करना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी सन कार्ड यहाँ पर आ रहा है हो सकता है सूर्य और गुरु आपके बलि हो ये भी हो सकता है ये मैं एस्ट्रोलॉजी से देख रही हूँ बाकी कार्ड्स भी इसी तरह के मुझे दिख रहे हैं आपके अ ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर ओल्डर का मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हैं या हो रही हैं पूरे ओल्डर होने का मतलब यह है कि आपके अंदर ज़बरदस्त विजडम आ रहा है आप ये सोच रहे हैं कि ये दस बारह साल पहले मैंने क्यों नहीं जान लिया ये पहले ही क्यों नहीं जान लिया मैंने मैं कि मैं क्या हूँ मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो आपके अंदर जो ज़बरदस्त विजडम आ रही है ये आपकी भी सोच आ रही है इस इन कार्ड्स में और लोग भी ये कह रहे हैं कि ये पहले ही कुछ कर सकती थी तो अच्छा रहता अब ब्लसिंग ऑफ द एयर अब आप खुली हवा में सांस ले पा रही हैं बड़े अच्छे तरीके से नई तरीके से तो आपके जीवन में बाहर ही बाहर है अब आगे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आपने अपना रुख अपना लिया है अब जो आप पहले थी ना बिल्कुल सीधे शादी से या सीधी शादी सी तो वो चीज़ अब आप आपकी बदल चुकी है अब आप कुछ और ही बनकर निकल रही हैं कुछ और ही रूप निकल रहा है आपका कि आपके चाहे वो हस्बैंड सोलमेट भी हैं या कार्मिक थे क्योंकि गलत एक अच्छी लाइफ आपकी नहीं थी या तो आपकी तरफ से आपने सोचा कि यार मुझे इनसे शादी करनी ही नहीं थी या फिर आपके स्पाउस बहुत ही खराब नेचर के थे तो आपको ये लग रहा है कि इस लाइफ में इस मैरिज लाइफ में मुझे फंसना ही नहीं था मुझे तो कुछ और करना था तो अब आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल आई एस आई एस कार्ड भी आया ये, लोग भी ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ और करना था तुम यहाँ कैसे फंस गए हो जाता है ना कई बार कि ये तो करियर था ही नहीं क्या तुम 95 फाइव की जॉब कर रही हो तुम तो एक हीलर हो तुम तो कुछ और ही इसको एज अ प्रोफेशन अपना सकते हो आपको अपने अंदर विश्वास है आप कुछ कर सकते हैं आपके अंदर इतनी पावर है आप दूसरों को हील कर पाते हैं तो लोग ही आपके बारे में ये कह रहे हैं यार ये तो हमें इनके साथ आने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है इनके वर्क ब्लेस पे वर्क प्लेस में आने पर इतना अच्छा लगने लगता है कि वाह हमें हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं ऐसा फील होता है तो ये अगर एज ए प्रोफेशन प्रोफेशनल हीलर का, का काम करेंगे तो ये तो बहुत ऊँचाइयों को पालेंगी तो बाकी सभी लोग आपके लिए इस तरह की पॉजिटिव गॉसिप कर रहे हैं सो वाओ वाह ब्यूटिफुल रीडिंग तो आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हो सकते हैं तो इसे अगर वाकई आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आपको एज अ प्रोफेशन भी इसको अपना लेना चाहिए लेकिन 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 ये ध्यान रखें एज़ अ प्रोफेशन जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं फिर एक अलग ही तरह का ईगो आता है इस ईगो से बच के रहना होगा स्पिरिचुअल ईगो इसे कहते हैं इस ईगो में जो कोई डूब गया ना उसकी सजा बहुत ही घातक मिलती है भगवान के द्वारा क्योंकि जाना तो हमने वहीं है भगवान के द्वार पर जिंदा हमेशा तो यहाँ रहना है नहीं तो हमारा इटर्नल होम कहाँ है वहीं है ठीक है ना तो ईश्वर को तो समर्पित करते हुए सारे काम शुरू करें और वो भी आपने कर ही लिया है लेकिन दिमाग ना लगाएं ईगो <laughs> को ना लेकर आए ईगो के बजाय ईको सिस्टम में बैलेंस करें जैसे ये मिरर कार्ड है जब आप अपने आप को अपनी शक्ल देखें तो आपको यूनिवर्स नज़र आए ईश्वर नज़र आए भगवान नजर आए आपके ही आँखों में सो थैंक यू सो मच आगे बढ़ते रहें इसी तरीके से क्योंकि आगे बढ़ना ही इंसान का परम धर्म है और परम कर्म है परमा एंड सॉरी कर्मा एंड धर्मा एज योर एक्शन थैंक यू थैंक यू सो मच धन्यवाद है आपका और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको